हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल उड़ते परिंदे ट्रिप। सो गाइस, आज आ गए हैं हम सेक्टर 88, जहां लग रहा है सबसे बड़ा मेला जो है सरस मेला। और मेरे साथ है मनु और ये हूँ मैं, और मेरे साथ है काव्या एंड कायरा। तो चलिए चलते हैं अंदर और एंजॉय करते हैं और देखते हैं सरस मेला में क्या क्या हमको देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं। सो गाइज, यहाँ पर हमने देखा कि पंजाब के कल्चर को यहाँ पर दिखाया गया है। साथ ही हमने आगे जब देखा तो ये चक्री थी जो कि चलाने में मुझे बहुत मजा आ रहा था। मतलब अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं, पंजाब का टच आप एंजॉय करना चाहते हैं, जरूर यहाँ विजिट करें। साथ ही यहाँ बहुत सारी चीजें थी और बहुत सारे कल्चर थे जिनके अलग अलग चीजें थी, बहुत सारी खाने पीने की भी चीजें। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं आपको और आपको एंजॉय करवाते हैं। अगर फैमिली के साथ हैं और बच्चे आपके पास है तो जरूर यहाँ एक बार विजिट करें, क्योंकि ये मेला ना बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा है। तो एक बार जरूर विजिट कीजिए यहाँ पर। Thank you.
गाइस ये है फ्रूट आइसक्रीम जो कि थोड़ी सी अलग लग रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। और कायरा भी काफी एक्साइटेड थी तो हमने ये बनवाई और पूछा इनसे कितने का है। तो गाइस यहाँ पर प्राइस थोड़ा सा हाई था, बट ये आइसक्रीम 100 रुपए की थी। तो इसकी क्वांटिटी चेक कर लेते हैं कि कितनी है और ये कैसे हमको देंगे। तो गाइस आगे है कायरा की आइसक्रीम जो कि काफी टेस्टी थी, आप जरूर उसको ट्राई करना एक बार। और आपके दे रहे जी सैंडविच। सैंडविच अच्छा, जो आइटम यहाँ रखे वही मिलेगा। ये क्या है? कोरियन डॉग। कोरियन डॉग पिज्जा भी मिलेगा। पिज्जा कितने का है? 150 का। बर्गर कोरियन बन है वो। हाँ कोरियन बन। कोरियन बन कितने का है? 120 का। 120 सैंडविच है। और ये और कुल्हड़ पिज्जा 120 120 रुपीज़ का। ठीक है जी, थैंक यू। बर्गर ले लिया, कितने का है? 80 रुपये। ठीक है, यहाँ आप ज़रूर विज़िट करें। ठीक है, 20 रुपये गिलास। मौसमी पाइनएप्पल वाला दोनों 20 रुपए किलो। पाइनएप्पल मौसमी वाला जो किसी वाले लिए से 20 रुपए किलो। ठीक है, तो गाइज अब आ गया है मीठा खाना। तो जिसको मीठा खाना पसंद है तो भाई यहाँ जरूर एक बार विजिट करना, क्योंकि ये है जलेबी। ये जलेबी नहीं जलेबा है जिसका पर प्राइस है 100 रुपए। साथ ही जो यहाँ पर आपको मिल्क मिलेगा इसके साथ पीने के लिए, उसका अराउंड 60-70 के अराउंड इसका प्राइस है। तो ये आप जरूर एक बार ट्राई करना। साथ ही इनके पास सोया चाप के बाद और भी बहुत सारी ऑप्शंस है, तो खाने के लिए तो आप निश्चित रहिए। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ मिलेंगी, बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिलेंगे और बहुत सारी चीजें खाने को मिलेंगी। तो एक बार जरूर विजिट करना और अलग अलग जायकों का फायदा उठाना, और एक बार आप जरूर विजिट करें। अगर फूड की बात करें तो यहाँ पर हर वैरायटी आपको मिल जाएगी फूड की, अगर आप खाने के शौकीन है तो ये सरस मेला जो है ना काफी शानदार है और बहुत ही मजेदार है बच्चों के लिए और आपके लिए। क्योंकि कई बार हम मेले में घूमते हैं लेकिन खाने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ गाइस खाने के लिए बहुत सारी ऑप्शन है, तो आप खुश हो जाएंगे और बच्चे भी बहुत इंजॉय करेंगे। देखिए दिन का टाइम था, गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो एडवाइस करूंगी अगर छोटे बच्चों के साथ आप आ रहे हैं तो शाम के टाइम आप आइए और खाना भी इंजॉय कीजिए। साथ ही पंजाबी म्यूजिक को भी आप बहुत इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सिंगर आ रहे हैं लाइव, यहाँ पर बैंड होगा और साथ ही साथ सिंगर्स भी होंगे। तो हमारा दिन के टाइम पर एक म्यूजिक चल रहा था जो पंजाबी सिंगर थे, तो उनको भी हमने कैप्चर किया, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखें और वीडियो को स्किप ना करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें। इंस्टाग्राम के पेज को भी प्लीज फॉलो कीजिए।
गाइज अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही अभी थैंक्स की ऑप्शंस भी आ गई हैं, तो गाइज प्लीज हमें सपोर्ट करें। और आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं और ये जरूर कमेंट करें, और आगे वाली वीडियो हम कौन सी बनाएं इस टॉपिक पर आप वो भी हमें जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं करते हैं प्लीज फॉलो कीजिए, ताकि वहां पे भी आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें, साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग पर, और तब तक के लिए बाय।